disturb your own leader? Why do you disturb your own leader? ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़ने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि सीएजी विनोद राय की रिपोर्ट है क्या और किस तरीके से इस योजना की बंदरबांट हुई और वित्त मंत्रालय का एक जिम्मेदार महकमा चुपचाप सब देखता रहा। जिस नए घोटाले पर सरकार चौतरफा घिर गई है, आखिर वो किसान कर्ज माफी घोटाला क्या है, कैग की रिपोर्ट क्या कहती है, आइए पहले ये जान लेते हैं। यूपीए सरकार ने 2008 में 52,000 करोड़ की किसान कर्ज माफी योजना शुरू की थी। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस योजना में न केवल बड़े पैमाने पर पात्र किसानों को नजरअंदाज किया गया, बल्कि बड़ी संख्या में ऐसे किसानों को योजना का लाभ दिया गया जो इसके पात्र ही नहीं थे, जिसके फलस्वरूप 10,000 करोड़ की धांधली की बात सामने आ रही है। 2008 की किसानों की कर्ज माफी योजना को लागू करने में बड़ी धांधली हुई है। जो किसान कर्ज माफी के हकदार थे उनमें से कई को योजना का लाभ नहीं मिला है और जिनको लाभ मिला है उनमें से कई सरकार की इस कर्ज माफी योजना के हकदार नहीं थे। सीजी ने जिन 9 राज्यों के 90,000 मामलों की जांच की उनमें से करीब 22% यानी 20,000 मामलों में गड़बड़ी पाई गयी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सीएजी ने जितने खातों की जांच की उनमें 22% से अधिक मामलों में चूक या गड़बड़ी हुई है, जिससे इस योजना के क्रियान्वयन पर गंभीर चिंता होती है। कैग ने अपनी जांच में पाया कि रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हुई है। इस करोड़ों रुपए की धांधली में योजना की निगरानी में खामी के लिए वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग की भी खिंचाई की है। सीजी ने सुझाव दिया है कि वित्तीय सेवा विभाग को ऐसे मामलों की समीक्षा करनी चाहिए और गलती करने वाले अधिकारियों और बैंकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैग ने अपने ऑडिट में पाया कि वित्तीय सेवा विभाग और योजना के क्रियान्वयन की अहम भूमिका निभा रही एजेंसियां इस बात से वाकिफ थी कि इस योजना के कार्यान्वयन में कई खामियां हैं, फिर भी उन्होंने वक्त रहते इसमें सुधार करने की पहल नहीं की। कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि कई मामलों में जिन किसानों ने गैर कृषि मकसद से लोन लिया था या जिनका लोन इस योजना के तहत लाभ हासिल करने योग्य नहीं था उन्हें भी लाभ पहुंचाया गया। योजना के तहत करीब 3.45 करोड़ किसानों के 52,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ किए गए हैं। रिपोर्ट A to Z न्यूज। तो और कितने घोटाले? जी हाँ, ये सवाल सिर्फ विपक्ष ही नहीं कर रहा बल्कि देश की आम जनता भी यही सवाल कर रही है। एक घोटाले की गूंज शांत नहीं होती कि तब तक दूसरा घोटाला सामने आ जाता है। यूपीए 2 में अब तक 11 बड़े घोटाले सामने आ चुके हैं, जिसमें 7 घोटालों को उनका पर्दाफाश खुद सीएजी ने किया है। तो एक नजर डालते हैं यूपीए सरकार के घोटालों पर, ये किस तरीके से हुए और आगे क्या कुछ संभावनाएं नजर आती हैं। टोलगेट घोटाला 18,599.34 करोड़, कैग रिपोर्ट से इसका खुलासा हुआ। अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट 29,033 करोड़, कैग रिपोर्ट से खुलासा। 2G घोटाला 1.76 लाख करोड़ का घोटाला, इसका भी खुलासा कैग रिपोर्ट से हुआ। केजी बेसिन घोटाला $5 अरब का, कैग रिपोर्ट से हुआ खुलासा। टाटा ट्रक 750 करोड़ का घोटाला, कैग रिपोर्ट से हुआ खुलासा। कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला 77,000 करोड़ का, ये घोटाला भी कैग रिपोर्ट से सामने आया। इसरो देवास डील 20,000 करोड़ का घोटाला, कैग रिपोर्ट से हुआ खुलासा। हेलीकॉप्टर दलाली घोटाला 362 करोड़ का, इटली पुलिस ने किया खुलासा। ब्लैक मनी घोटाला 1400 अरब का, इसका खुलासा हुआ श्वेत पत्र से। हसन अली का हवाला 500 करोड़ का घोटाला, ईडी रिपोर्ट से सामने आया खुलासा। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश जुड़ गए हैं। सुरेश जी, क्या समझा जाए जिस तरीके से घोटाले एक के बाद एक हो रहे हैं, एक घोटाला
पूरी तरीके से जांच उसकी पूरी नहीं हो पाती या तमाम उसके जो तथ्य हैं वो सामने नहीं आ पाते, और इसके साथ साथ पैरेलल एक दूसरा घोटाला सामने आ जाता है। अब लगता है कि आगे क्या देखते हैं भविष्य आप सरकार का, खासकर बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है। हेलो जी सूर्य जी, आवाज मिल पा रही है आपकी? जी बिल्कुल, जानना चाहेंगे जिस तरीके से घोटाले लगातार आ रहे हैं, एक और घोटाला खासकर किसानों से जो जुड़ा मसला था, आम जनता होती है और खेतिहर किसान जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रीढ़ है भारत के लिए, रेवेन्यू के लिए, और इस तरीके से घोटाला किस तरीके से समझा जाए? देखिए, ये तो जिसे कहते हैं कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन घोटाला सामने नहीं आ रहा है, लेकिन ये तो इस देश की खुशकिस्मती है कि हमें एक ऐसा कंट्रोलर ऑडिटर जनरल मिला हुआ है जी, तो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से चीजों को सामने ला रहा है और पूरे व्यवस्था में क्या कमी है उसको उजागर कर रहे हैं जी। एक तरफ हम कहते हैं कि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है जी, दूसरी तरफ हम जिस तरीके से, पहली बात तो ये फार्म लोन वेवर स्कीम में ही घपला बहुत था जी, वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि जो असली जो लोग आज इस देश का जो किसान है वो खुदकुशी कर रहा है बड़े पैमाने पर जी, उनके मूलभूत समस्याओं की तरफ तो हम देख ही नहीं रहे हैं, फिर भी चलो थोड़ा बहुत राहत उनको मिलता, अब उसमें भी आप घोटाला होता है, ऐसे कई केसेस अभी सामने आए हैं कि अगर ये घोटाला न होता जी, तो शायद कई जिंदगियां बच जाती, कई परिवारों को जो है ये मिल जाता और उसका फायदा होता, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से आज भ्रष्टाचार इतना व्याप्त हो चुका है जी, कि इसका जब तक एक राजनीतिक हम इसका कोई समाधान नहीं निकालेंगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि ये सिर्फ एक और कमेटी बैठ जाएगी, एक जेपीसी बैठ जाएगी, उसके बाद जो है थोड़ा और जांच होगा, एक आध गिरफ्तारी होगी कुछ दिनों के लिए, और वो उसके बाद डी राजा और ए राजा और हमने बाकी लोगों को देखा कि वो कैसे बेल में छूट गए जी, बस कहानी खत्म। बिल्कुल सूरज जी, लेकिन एक बात और भी समझना जी, इसका मूलभूत जो है जब तक इसका समाधान हम नहीं निकालेंगे, जब तक लोकपाल जैसे मजबूत लोकपाल जैसे संस्थाओं का हम लोग जब तक अमली जामा नहीं पहनाएंगे, जब तक पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है, तब तक जो है इस तरह की घटनाएं आती रहेंगी। बिल्कुल, लेकिन एक बात और भी आपसे समझना चाहेंगे, कैग ने तमाम खुलासे पहले भी किए, सरकार के ऊपर सवाल दागे गए, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे रहे, सरकार के खुद तमाम मंत्रीगण थे, वो कैग के ऑडिट पर भी सवाल खड़े कर रहे कि उनके आंकड़े सही नहीं है, तमाम बार उनसे सवाल उल्टे कर दिए गए, ये क्या संभव इस बार भी है? नहीं, बिल्कुल है, उन्होंने जिस तरीके से व्यक्तिगत आक्षेप और आरोप जी लगाए जा रहे हैं विनोद राय पर, आपने देखा पहले भी जो है सरकार के नुमाइंदे, पार्टी के नुमाइंदे, सत्ताधारी दल के नुमाइंदे जो है लगातार व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, मतलब आप आंकड़ों में फंसे हुए हैं, सवाल आंकड़ों का नहीं है, हो सकता है कि 1,75,000 करोड़ की जगह 17,000 करोड़ हो जी, लेकिन ये तो वही हुआ कि भाई डकैती में ये सामान नहीं लूटा गया, इसलिए जो है दरोगा गलत है। बिल्कुल, ये वही वाली बात जी है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लूट पर नहीं देख रहा है, लूट में क्या क्या गया उसको देख रहे हैं खाली। बिल्कुल, ये बिल्कुल, तो लूट क्यों हुई ये नहीं देख रहे, निकाल के जो है आप मुद्दों को जो है लोगों को भ्रमित करना है और असली मुद्दे से भटकाने का एक प्रयास है। तो क्या क्या किस तरीके का एक रोड मैप देखते हैं कि जो बनाना चाहिए, जिसके आधार पर कार्रवाई हो और इस तरीके के मसले ना आए? नहीं, इसमें तो देखिए, ये चाहे कोई भी सत्ता में बैठा हो, ये नहीं कि कोई एक विशेष दल जो है सत्ता में है तो इस वजह से घोटाला घपले होते रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि एक निष्पक्ष जो है एक सीएजी हमें मिला है, पहले जितने सीएजी कई हुआ करते थे, एकाध पहले अच्छे रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज आपने देखा कि वो लोग सरकारी पक्ष के ही होते थे और सरकार को समर्थन करने वाले होते थे, आज जो है एक ऐसा निष्पक्ष रहा है, तो इस संस्था को किस तरीके से स्वतंत्र रखा जाए और उसके बाद कैसे त्वरित कार्रवाई हो, किस तरीके से जो गुनाहगार है उसको सजा मिले जी, ये इसकी जब तक सिस्टम के अंदर व्यवस्था ना हो तब तक जो है कोई उपाय नहीं है, इसीलिए लोकपाल का एक बहुत बड़ा जो है यहाँ इस देश में मुहिम चला था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया कई प्रदेशों में, और इसमें दोनों दल शामिल है, वो भी जो है लोकायुक्त को जो है नियुक्त करने के लिए तैयार नहीं है जी। तो ये बड़े अफसोस की बात है, जब तक हम ये परिवर्तन नहीं लाएंगे लोकपाल जैसे व्यवस्थाओं को, हम जब तक हम अमली जामा नहीं पहनाएंगे तब तक इस तरह के जो है लूप होल्स जो है उसका फायदा उठाते रहेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर
केजी सुरेश वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। उनका यह भी कहना था कि इस तरीके के मामले तब तक आते रहेंगे जब तक लोकपाल जैसी कोई ऐसी संस्था नहीं अमल में आ जाती, नहीं बन जाती, जो भ्रष्टाचार को रोकने में कुछ कारगर कदम उठा सके। तब तक इस तरीके के मामलों को रोक पाना शायद काफी मुश्किल होगा। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।